आपने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि तू टाटा की औलाद है या बिरला की औलाद है जो इतनी अमीरी दिखा रहा है। टाटा और बिरला इंडिया के इतने बड़े रईस हैं कि इन्होंने पूरे इंडिया के अंदर बड़े बड़े बिजनेसेस फैला रखे हैं, यानी कि जहां कहीं भी आप जाओगे तो इनके बड़े बड़े बिजनेस आपको देखने को मिलेंगे। तो उसी तरह सीमेंट का बिजनेस भी है, उसके अंदर भी बिरला वालों ने बड़ी पकड़ अच्छी कर रखी है। तो आज हम पूरी डिटेल में जानेंगे बिरला के नाम से कौन कौन सी सीमेंट इंडस्ट्रीज है जिसके बारे में हमें पता भी है और कई के बारे में हमें पता भी नहीं है। तो मेरा नाम है जतिन खत्री, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईशान डिजाइंस में। आज हम बात करेंगे इंडिया में फैले हुए बिरला सीमेंट के बिजनेस के बारे में। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा बिरला सीमेंट्स के बारे में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इसे मिलने वाली ऑन साइट सर्विस के लिए मैं आपको वहां पे हेल्प कर सकता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई टेलीग्राम चैनल के लिंक को आप फ्री में ज्वाइन करके मेरे साथ जरूर जुड़े। तो शुरुआत करते हैं आदित्य बिरला ग्रुप से। आदित्य बिरला ग्रुप आपने नाम सुन रखा है, आदित्य बिरला ग्रुप का सीमेंट आता है अल्ट्राटेक। दूसरा ग्रुप है सीके बिरला ग्रुप। सीके बिरला ग्रुप का नाम आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा उसकी गारंटी नहीं, लेकिन उनके प्रोडक्ट का नाम आपने जरूर सुना है। ओरिएंट इलेक्ट्रिकल्स करके एक कंपनी आती है जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, ओरिएंट इलेक्ट्रिकल। वही सेम ब्रांड अपना एक सीमेंट निकालता है जिसको ओरिएंट सीमेंट इंडस्ट्रीज के नाम से बेचते हैं और इनका जो प्रोडक्ट आता है वो बिरला A1 के नाम से आता है। और तीसरा जो ब्रांड है वो है एमपी बिरला ग्रुप। एमपी बिरला ग्रुप अपना सीमेंट एमपी बिरला के नाम से बेचता है। इसके अलावा बिरला उत्तम भी इस सीमेंट इंडस्ट्री में है जो कि एक सेपरेट कैटेगरी के अंदर है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीके बिरला ग्रुप की। तो सीके बिरला ग्रुप का पूरा नाम है चंद्रकांत बिरला। चंद्रकांत बिरला जी ने इस ग्रुप की शुरुआत करी थी तकरीबन 1800 के आसपास और इसके बाद इन्होंने सीमेंट प्लांट शुरू किया था वो 1982 के अंदर शुरू किया था। आज की तारीख में इनकी जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 8 MPT की है, यानी कि 8 मेट्रिक टन पर NM के हिसाब से वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इनका जो स्ट्रांग पार्ट है वो रीजन है तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर इनका काफी स्ट्रांग रीजन है और इसके अलावा साउथ साइड में ये बहुत अच्छा चलता है। ये कंपनी अपना जो सीमेंट बेचती है वो बिरला A1 के नाम से बेचती है। तो बिरला A1 प्रीमियम सीमेंट, बिरला A1 PPC सीमेंट, आपने इस नाम से अलग अलग सीमेंट ब्रांड देख रखे होंगे और मैंने रिसेंट में एक वीडियो भी बनाया था बिरला A1 को लेकर जिसके अंदर मैंने आपको बताया था। और इस कंपनी की तरफ से ऑन साइट सर्विस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी अवेलेबल है और वो क्लियरली कहते हैं कि आपको वो ऑन साइट सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से मुझे सीके बिरला ग्रुप की तरफ ऑन साइट सर्विस का मुझे बहुत अच्छा पार्ट लगा और साथ में इनको जो इनका प्रीमियम सीमेंट आता है बिरला A1 प्रीमियम PPC सीमेंट उसके लिए इन कंपनी को ग्रीन प्रो का सर्टिफिकेट मिला है क्योंकि इन्होंने काफी कार्बन इमिशन को बहुत कम किया है इन्होंने। तो ये बहुत अच्छी बात है एक कंपनी के लिए उनको के ग्रीन सर्टिफिकेट मिलना, और क्योंकि कंपनी एक अच्छे डायरेक्शन में वर्क कर रही है तो उनको एक बूस्ट मिलता है ऐसी चीज़ों से और कंपनी एक बड़े लेवल पे रिकॉग्नाइज होती है, लोग उनको याद करते हैं कि इस तरह की एक कंपनी भी है। तो मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा सुन के, आपको कैसा लग रहा है मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली जो कंपनी है वो है एमपी बिरला ग्रुप। एमपी बिरला ग्रुप 1919 में बनी थी। ये मान लो कि इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट सीमेंट कंपनी है। 1936 के अंदर इन्होंने तकरीबन सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शुरू किया था ढंग से। आज तक आते आते अपनी टोटल कैपेसिटी जो है वो 20 मिलियन टन के आसपास पहुंचा दी है और ये सीमेंट कंपनी सबसे पुरानी सीमेंट कंपनी है और ट्रस्टेड कंपनी है। और साथ ही अगर देखें तो इनके पास ऑन साइट सर्विस अवेलेबल है, ऑन साइट सर्विस इनकी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इनके बारे में मुझे एक पॉजिटिव चीज़ जो लगती है कि इनका जो नेटवर्क है ऑन साइट सर्विस का, इंजीनियर्स का, टेक्निकल सर्विसेज का, वो बहुत एक्टिव ग्रुप है। बहुत एक्टिव ग्रुप होने का मतलब कि आप फ़ोन करेंगे ये लोग आपके पास अवेलेबल होंगे। हम भी जब फ़ोन करते हैं कि सर टेक्निकल सर्विसेज चाहिए तब ये बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ना कोई आनाकानी देखने नहीं मिलती। और एक फैक्ट इसके बारे में, इंडिया के अंदर PAC सीमेंट जो बनता है, PAC सीमेंट के अंदर एमपी बिरला ग्रुप लीडिंग प्लेयर है PAC सीमेंट बेचने में, यानी कि स्लैग सीमेंट के अंदर इसकी मास्टरी हासिल है। तो एमपी बिरला का जो सीमेंट आता है वो एमपी बिरला के नाम से ही आता है मोस्टली। तक परफेक्ट प्लस, रक्षक सीमेंट, आपने ये नाम सुन रखे होंगे, अल्टीमेट, एमपी बिरला अल्टीमेट, इस नाम से इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं। अब जो तीसरा और आखिरी कंपनी है वो है आदित्य बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला ग्रुप सबने नाम सुन रखा है। आदित्य बिरला ग्रुप का जो सीमेंट ब्रांड आता है वो आता है अल्ट्राटेक के नाम से, और अल्ट्राटेक सब लोगों की फेवरेट कंपनी है क्योंकि इसका जो रूट है वो है कि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई है। इसका जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है वो 127 मिलियन टन की है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी है जो 100 मिलियन टन से ज़्यादा का मैन्युफैक्चर करती है। एशिया के अंदर चाइना को अगर निकाल दें तो एशिया के अंदर भी 100 मिलियन से ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाली सिर्फ यही कंपनी है और इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता है मोस्टली। ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी सीमेंट अपना सप्लाई करती है बिरला सीमेंट के। अल्ट्राटेक के कस्टमर आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं। अब जो इनके ओनर हैं वो है कुमार मंगलम बिरला और इनकी कंपनी की तरफ से ऑन साइट सर्विसेज अवेलेबल है
लेकिन एक लिमिटेड वेरिएंस तक, लिमिटेड वेरिएंस तक इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर जगह टेक्निकल ऑफिसर इनका पहुंच नहीं पाता। मैंने ये देखा है इजीली क्लाइंट के पास पहुंचना इनके लिए थोड़ा कम इजी रहता है। तो जो टेक्निकल सर्विसेज है ये पार्ट इनका अभी तक इम्प्रूव नहीं हो पाया, लेकिन प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाने के मामले में और जो क्वालिटी के मामले में है वो अल्ट्राटेक बहुत आगे है, इसीलिए वो आज तक चले जा रहा है। लेकिन आजकल एक नई चीज आई है ऑन साइट सर्विस, ऑन साइट टेक्निकल सर्विस के अंदर अभी तक अल्ट्राटेक थोड़ा पीछे है, वो चाहे तो और आगे बढ़ सकता है। एक एडिशनल चीज है, इनकी जो खुद की एप्लीकेशन है उस पर इन्होंने काफी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखी है, लिंक्स और ऑनलाइन डिटेल से वो गाइड करना ज्यादा सही समझते हैं इंस्टेड ऑफ एक एक पर्सन को ऑन साइट भेजना। तो देखिए ये अपना अपना व्यू है, अपनी अपनी कंपनी का व्यू है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑन साइट टेक्निकल सर्विसेज से पर आदमी एक एक आदमी बहुत अच्छे से सेटिस्फाई होता है, आप कस्टमर से जुड़ पाते हैं ना कि बल्कि आप एक बड़ी वेबसाइट से किसी लार्ज ऑडियंस को टारगेट करें। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपको क्या लगता है मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और तीनों ही कंपनियां सीके बिरला ग्रुप, एमपी बिरला ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, तीनों के पीपीसी जो सीमेंट आते हैं उनकी प्राइस कुछ ऐसे है कि सीके बिरला ग्रुप का बिरला A1 पीपीसी सीमेंट आता है वो 360 रुपए का आ रहा है, एमपी बिरला ग्रुप का जो चेतक सीमेंट है उसका पीपीसी सीमेंट तकरीबन 365 रुपए में आ रहा है, और आदित्य बिरला ग्रुप का अल्ट्राटेक का पीपीसी सीमेंट वो भी 365 रुपए में आ रहा है, यानी 360, 365 और 365। तो तकरीबन जो प्राइस रेंज है वो भी सेम है और ऑन साइट सर्विस जो प्रोवाइड करवाते हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम है। तो आपको कौन सी सीमेंट कंपनी पसंद आई मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। पर्सनली अगर मुझे पूछा जाए एमपी बिरला ग्रुप को ज्यादा प्रेफर करूंगा, एमपी बिरला ग्रुप क्योंकि उसके पास कैपेसिटी भी अच्छी है और काफी जगह एरिया में, वास्ट एरिया के अंदर अवेलेबल है, साथ में ऑन साइट सर्विस के लिए सबसे एक्टिव नेटवर्क इन्हीं का है, तो जो एक्टिव नेटवर्क कस्टमर को ज्यादा फायदा पहुंचाएगा उसको वो सबसे बेस्ट माना जाएगा। देखिए 2-5 पैसे ऊपर नीचे ले लेना इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका घर एक बार ही बनता है, और अगर आपके घर पे ऑन साइट टेक्निकल सर्विसेज आए और आपको अच्छा लगे, यानी कि आप घर की छत की ढलाई हो रही है और इंजीनियर आके खड़ा हो कंपनी का और वो कुछ टेक्निकल डिटेल्स बताए, आपको कुछ जानकारी दे, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। देखिए मकान तो मैं ऐसे ही बना दूंगा, अगर कंपनी उसमें इन्वॉल्व हो रही है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक बड़ी चीज होती है नॉर्मल कस्टमर के लिए, उसको ट्रस्ट बिल्ड होता है कंपनी को प्रॉपर वे यूटिलाइज कैसे करना है, उस चीज का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो जो कंपनी ये प्रोवाइड करवा रही है मैं उसको थोड़ा ज्यादा प्रेफर करूंगा। तो मेरे हिसाब से एमपी बिरला ग्रुप अच्छा है, आपके हिसाब से कौन सा सीमेंट कंपनी बेस्ट है तीनों बिरला कंपनी में से? जैसे कि हमने शुरू में कहा कि टाटा और बिरला फैमिली से है क्या, तो बिरला वालों ने सीमेंट इंडस्ट्री को भी नहीं छोड़ा और बिरला ने अपना नाम सीमेंट इंडस्ट्री में भी काफी अच्छा कमाया है। तो मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें।